हेलो बच्चों, जिस जिस का भी HSSC में 5-6 अगस्त का एग्ज़ाम आ चुका है और जो मतलब बौखला रहे हैं, घबरा रहे हैं, बौखलाना घबराना बंद करो, सिलेक्टेड पढ़ो। अगर आपका फाइनल ये होने वाला है ना पेपर 5-6 अगस्त को, जो कि मतलब आपको पता ही है बात हरियाणा की हो रही है, तो अब सर पे पड़ गई है, इसलिए लेंगे तो सही पेपर को, और हमें देना भी है, हमें नौकरी भी चाहिए, तो हमें भ्रमित होने की बजाय बहुत सिलेक्टेड पढ़ने की ज़रूरत है। इंग्लिश में क्या कितना कैसे आता है बहुत वीडियोस में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, उन सभी चीज़ों को फॉलो करो। आपके लिए स्पेशली HSSC की टू द पॉइंट बुक मैं बना चुकी हूँ, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है। आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो अब मत लेके पढ़ना, कहीं अब लेने लग जाओ 5-6 दिन में पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, स्पीड आपकी बहुत अच्छी है तो बात अलग है, नहीं तो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लो बेटा। वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर में से आती है, और मेरी जो HSSC वाली बुक है ना, उसमें प्रीवियस ईयर ही है, इसी वजह से मैं उसको इतना कहती हूँ कि लेके पढ़ ले हरियाणा का बच्चा, तो उसे मदद मिलेगी, पर अब टाइम नहीं बचा बेटा। हाँ, जिनका पेपर नवंबर में है वो ज़रूर उसको पढ़ें, उन्हें बेनिफिट मिलेगा, उस बुक में से बहुत कुछ आएगा। पर जिनका अभी 5-6 अगस्त को पेपर है ना बेटा, वॉइस नरेशन को, कंजंक्शंस को, प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी को, थोड़ा थोड़ा मॉडल्स को, इन टॉपिक्स को कर लो, बहुत हद तक आपका इंग्लिश का सेक्शन कवर हो जाएगा। और पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ, यूट्यूब लाइव और उन चक्करों में मत पढ़ो, अपनी किताबों और अध्यापकों के साथ समय बिताओ।